नमस्कार, मैं हूं अर्चना गुप्ता और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। कुछ चटपटी तो कुछ तीखी, कुछ अपराध से जुड़ी तो कुछ सनसनी, ऐसी तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर के गहमर थाना इलाके के करहिया गांव में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से दीपक नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आनंद फानन में ग्रामीणों ने दीपक को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसी बीच ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती गोली से घायल दीपक ने बताया कि घर से बाहर निकले थे कि अचानक बाइक सवार बदमाश गोली मार दिए और गोली लगने की वजह से वह वहीं बेहोश हो गए, बदमाशों को पहचान नहीं पाए। वहीं जिला अस्पताल में दीपक का इलाज कर रहे डॉक्टर रघुनंदन ने बताया कि दीपक नाम के एक शख्स को जिला अस्पताल में लाया गया है, दाहिने पैर में गोली लगी है, इलाज किया जा रहा है। फिलहाल दीपक को गंभीर चोट आई है लेकिन खतरे से बाहर है। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि देर रात दीपक नाम के शख्स को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, फिलहाल मामले की जाँच चल रही है कि गोली मारने वाला शख्स कौन है और गोली क्यों मारी गई है। दीपक जी, आज आपको गोली कहाँ पर लगी है, क्या मामला है ये? सर, मामला तो मालूम नहीं है, हम लोग काम के टाइम पर सर बाहर जाते हैं, सर लगिंग करके आ रहे थे, सर फायर हुआ, तीन फायर उसमें फायर लगा और फायर करने वाले बदमाश क्या बाइक सवार थे या पैदल थे? बाइक। दीपक गुप्ता को गोली लगी, उसमें आप उसके साथ थे, उसमें आप कई लोग मौजूद थे? दो लोग थे। आप और शॉट करके दोनों लोग खेत से आ रहे थे, अचानक पीछे से बाइक आई, बाइक पे दो लोग सवार थे, कितने से मतलब उतना केयर नहीं किया हम लोग, लेकिन तीन फायर हुआ जिसमें हम लोग देखे पैर में अचानक उसको गोली लगी हुई है, ब्लड पूरा मतलब नीचे फैला हुआ था, वो गिर गया वहीं पे। उसके बाद हम लोग बगल से लोगों को बुलाया, उसके बाद यहाँ लाए। एक फायर आर्म इंजरी का केस आया हुआ है, दीपक गुप्ता नाम है पेशेंट का, ठीक है, और उन्हें हरी सिंह लाए हुए हैं जो उनके पड़ोसी हैं और ये करहिया के रहने वाले हैं, थाना गामा है इनका, और उनके राइट लेग में गोली लगी हुई है और इस समय वो स्टेबल हैं और इनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। यहाँ पर अभी स्पष्ट तरीके से उनके घर के सामने नहीं आया, लेकिन सब इतना पता चला है पुलिस के पास कि एक व्यक्ति एक लड़का था, उसके पैर में गोली लगी है, वो फिलहाल जिला अस्पताल में चिकित्साधीन है, उनका नाम दीपक गुप्ता है और इसमें क्यों लगी है, कैसे लगी है, इसमें फर्दर जानकारी दिया जा रहा है।